सुनपरी युवा मञ्च कालेबुङको आयोजनामा आजबाट महिनाव्यापी नारी चेतना र्याली आरम्भ भएको छ। पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किम प्रान्तीय मारवाडी युवा मञ्चले यसरी यस मार्च महिनाभरि नै छोरी बचाओ अनि छोरी पढाओ अभियान अन्तर्गत यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भएको छ। यसरी यस कार्यक्रम दुवै राज्य पश्चिम बङ्गाल अनि सिक्किमको मारवाडी युवा मञ्च अन्तर्गत 59 शाखाहरूमै पालन गरिने भएको छ। यसरी आज यहाँ सर्वप्रथम 10 माइलमा व्यापक मात्रामा संगठनका प्रतिनिधिहरू सँगसँगै विभिन्न स्कुलहरू, गर्ल्स, प्रणामी, सप्तश्री, रकवेल आदिका छात्र छात्राहरूले र्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए। र्यालीमा सबैले आआफ्ना हातहरूमा महिला अधिकार माथि लेखिएका विभिन्न विषयहरूका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए भने र्यालीले सहरका विभिन्न ठाउँहरू सिके चोक, डम्बर चोक, 10 माइल आदिको परिक्रमा गरेको थियो। कार्यक्रममा विशेष रूपले पश्चिम बङ्गाल एवं सिक्किम प्रान्तीय मारवाडी युवा मञ्चका अध्यक्ष विकास अग्रवाल सँगसँगै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी आजबाट आरम्भ भएको उक्त र्याली बारे प्रकाश पार्दै राज्य स्तरीय अध्यक्ष विकास अग्रवालले बताए अनुसार महिलाहरूको आत्मसुरक्षाको निमित्त संगठनले यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरू जस्तै र्याली, प्रशिक्षण, सेमिनार, कुकिङ क्लास, महिला सशक्तिकरण आदिमाथि कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भएको बताएका छन्। हामी यो मार्च महिनालाई नारी चेतना जागरुकता माह भनेर सम्पूर्ण सिक्किम र बङ्गालमा लिइरहेछौँ। यसमा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्ता सिभिल नारी चेतनाका लागि तपाईँको सेल्फ डिफेन्सको प्रोग्रामहरू अनि वुमेन एम्पावरमेन्टको बारेमा विभिन्न प्रोग्राम्सहरू लिइकन सबै होल वेस्ट बङ्गाल एन्ड सिक्किममा कार्यक्रम गर्नेछौँ। अनि साथसाथ हामीले लेडिजहरूको लागि कुकिङ क्लासहरू, उहाँहरूमाथि हुँदै गरेका अत्याचारहरूको बारेमा सेमिनारहरू गरेर कसरी यो चिजलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छ र नारीहरू पनि अगाडि आओस् र हाम्रो सँगसँग समाजको विकासको लागि उहाँहरूको पनि योगदान पाउँ भन्ने हामी यही कार्यक्रम लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। अनि साथसाथमा हामी यो पनि चाहन्छौँ कि वुमेन्सहरूको लागि जति पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट प्रोग्राम्सहरू बनाएको छ उहाँहरू समक्ष पुगोस् अनि उहाँहरू पनि अगाडि आई हाम्रो समाजलाई उहाँहरूको एउटा योगदान पाओस् भन्ने हामी
यो प्रोग्रामहरू लिएर चलिरहेछौँ। सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गाल र सिक्किममा हाम्रा 59 ब्रान्चेसले चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ अनि यो पुरा मार्च महिनालाई चाहिँ हामीले यही नारी चेतना दिवसको रूपमा मनाउनेछौँ। यसका साथै आजको उक्त कार्यक्रममा मारवाडी युवा मञ्चको पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, राज्यको पूर्व अध्यक्ष सञ्जय अग्रवाल, कालेबुङ मारवाडी युवा मञ्चका अध्यक्ष निखिल गर्ग, सचिव विकास अग्रवाल, कोषाध्यक्ष धीरेन जिन्दल एवं संगठनका अन्य प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। आफूहरूको कार्यक्रमबारे पश्चिम बङ्गाल एवं सिक्किम प्रान्तीय अध्यक्ष विकास अग्रवालले थप प्रकाश पारेका छन्। यसका सँगसँगै आफूहरूको थप कार्यक्रमबारे मारवाडी युवा मञ्चका पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवालले पनि यसरी प्रकाश पारेका छन्। अल इन्डिया मारवाडी युवा मञ्च 2007-08 में सही नारी चेतना के ऊपर बहुत काम कर रहा है। आज कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम लोग 2007 से काम कर रहे हैं, जिसको आज सेंट्रल गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से इस प्रोग्राम को लिया है। हम लोगों का मानना है कि जब तक बेटी नहीं होगा तो ये संसार में जो जेंडर का डिफरेंसेस है वो अगर ख़त्म होगा तो ये यूनिवर्स भी नहीं बचेगा। इसलिए और नारी चेतना, नारी को जब तक हम लोग बराबर का नहीं मानेंगे, जब तक नारी पूरा इक्वल हम लोगों के साथ काम नहीं करेगा तो ये देश मॉडर्नाइज और उन्नति नहीं हो सकता। तो ये हम लोग चाहते हैं कि नारी के विषय में ये पूरा माह में, जैसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया, हम विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न जगह ले रहे हैं और इससे एक मैसेज दे रहे हैं सारे समाज को, सारे लोगों को, कि नारी को आप बराबर का समझो। नारी की एम्पावरमेंट होगा तो देश बढ़ेगा और बेटी बचेगी तो बेटा आएगा और यह संसार चलेगा। और एक रैली के रूप से हम लोग इसको करना चाहते हैं। बाकी और प्रोग्राम हम लोग सब करेंगे पर धीरे धीरे करेंगे। और इन्होंने उसके बाद मुझे एक लोग का नंबर भी दिया है, यहाँ पर जूही जी और निधि जी का, जिन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मार्च में ही हम लोग यहाँ पर कैलिफोर्न में एक लेडीज ब्रांच भी खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं, ये लोग काफी आगे तक बढ़ भी चुकी है। बस वही अभी बात चल रही थी कि अब फॉर्म साइन करवाना आप स्टार्ट करें। और मैं इसी तरह सभी ब्रांचेस से और ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप लोग भी और आगे जोश और ऊर्जा के साथ नारी चेतना का प्रोग्राम यूज करते रहिए। मुझे सबका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। बेगर नारी की समृद्धता, बेगर नारी की आजादी, हम एक समाज को विकसित समाज के रूप में नहीं जान सकते। आज नारी के अंदर जो शक्तियां हैं, नारी की शक्ति की चेतना हर व्यक्ति होनी चाहिए, विशेषकर नारी समाज को ही होनी चाहिए। आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ, अगर इस चीज को पीछे रखने में अगर किसी का हाथ रहा है तो नारी का ही रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या के क्षेत्र में हो। अगर पिछले कई दशकों में कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं, अगर पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में अगर नारी पीछे रही है तो मैं मानता हूं पुरुष वर्ग से ज्यादा दोषी नारी वर्ग ही रहा है। तो आज आप सबको इस अभिशाप को पहचानना है, अपने आप में एवं समाज से इस अभिशाप को दूर करना है और हम अवश्य करेंगे। इसी भावना के साथ जय हिंद। मुझे आशा है कुछ भावनाएं लोगों में जागेगी कि नारी हमारी माँ भी है, बहन है, बेटी है, क्या नहीं है। उस नारी के पीछे में हम लोग अगर कुछ गलत सोचते हैं या गलत कुछ हो रहा है विश्व में तो काफी निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे में जागरूकता कौन करेगा, हम लोग को ही करनी है। अगर एक स्टेप उठाने के समय में ऐसा महसूस होता है कि मुझे पीछे से काफी सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिले तब भी चलना ही पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे कि मुझे तो सपोर्ट ही नहीं मिला, आज गैदरिंग बहुत कम है और आप हतोत्साहित होकर बैठ जाएंगे तो उद्देश्य का परिपूर्ण नहीं होता है। जहां तक मुझे ख्याल है, स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ते थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ा अच्छा शब्द किया है
तुम्हारे संगे क्यों ना चले, तुम एकला चलो। अगर तुम्हारे साथ में कोई नहीं चलता है, चलते ही बनो, अकेले हो तो फिर चलो, पीछे अपने आप ही लोग आए। सबसे पहले तो मैं नारी चेतना माँ के लिए आजमान के जितने भी नारी शक्ति विराजमान है उनको नारी चेतना माँ की हार्दिक बधाई और नमन करता हूँ। हम विगत में जाना चाहते हैं, विगत साल से यह मिशन पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय महामंडल ने लिया था। अलीपुर गांव से यह कार्यक्रम शुरू हुई थी और इस्लामपुर में यह कार्यक्रम समापन हुआ था। 50 से ज्यादा शाखाओं ने यह मिशन में सहभागिता जताई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर भी दिया गया। जो आवाज दार्जिलिंग से निकली थी, जया परिवार की दार्जिलिंग शाखा से गौरव करती है, वो आज पूरे राष्ट्र में एक बड़ी गूंज निकली है। आज मैं चाहता हूँ कालिंग से निकली आवाज भी पूरे राष्ट्र में आवाज एक बुलंद होकर निकली। और भी जो भी शाखाओं से उपस्थित है उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अपनी शाखाओं में बड़े से बड़े स्तर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम करें। अब मैं अपनी बात में आगे बढ़ते हुए अभी मैं अपनी रास्ता में नागे लग रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति पर मैं अपने समाज की कुछ खामियां याद रखने की अनुरोध चाहता हूँ। जब बेटियां 20 साल की हो जाती है तो आज भी जो है माँ बाप के चेहरे में शिकन आ जाती है, बेटी ब्याणो है तो आज वो शिकन क्यों, दहेज प्रथा खत्म हो गई तो वो शिकन क्यों है? आज बोलते हैं दहेज प्रथा खत्म हो गई, वो शिकन क्यों है कि आज भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हुआ है। दहेज प्रथा अपराध बन रहा है, के लगाओ तो क्या हिसाब किताब बताओ, ये क्या है? आज हमारी बेटियां आज भी जो दिखाओ है, इस पर सब लोग गहन चिंतन बन करें कि आज अगर किए लगाओगा आज भी वह नहीं सुनागा, आगे की बेटियां के बोलेगा कि मारा पहला वाला वो बस के करके गया। पढ़ाते हैं लिखाते हैं 20 वर्ष में शिकन नहीं आना चाहिए, चेहरे पर शिकन आती है ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी बच्चे लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नारे लगा रहे थे तो आज भी हमारी बेटियां जाती है असुरक्षित महसूस करती है। यहाँ पर प्रशासन के तरफ से कोई नहीं है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ प्रशासन से ये एक अनुरोध करें कि प्रत्येक स्कूल में सेल्फ डिफेंस कोर्स कराया जाए ताकि बेटियां जहाँ अकेले भी नहीं अपनी सुरक्षा खुद कर सके। जब तक सेल्फ डिफेंस की कोर्स सारा जगह लागू नहीं होगी तब तक शायद हम कहीं ना कहीं ये नारे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। यदि